और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात मॉनसून सत्र में चल रहे घमासान की। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा दिन। पीएम मोदी संसद में देंगे जवाब। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मणिपुर पर बोलेंगी। आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा भ्रम फैलाने के लिए लाया गया प्रस्ताव। जनता और सदन दोनों को सरकार पर विश्वास। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा इससे सहमत हूं कि शर्मनाक घटना हुई, हिंसा का तांडव हुआ, लेकिन विपक्ष का राजनीति करना शर्मनाक। संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर तंज। बोले ये बीच में इसलिए खड़े होते क्योंकि इनकी पार्टी ने इन्हें बोलने के लिए समय नहीं दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज। बोले उन्हें राजनीति में पार्टी की तरफ से 3 बार लॉन्च किया गया फिर भी फेल रहे। गृहमंत्री अमित शाह का यूपीए पर तीखा प्रहार। बोले यूपीए का भ्रष्ट चरित्र, एनडीए का चरित्र सिद्धांतों की राजनीति। कांग्रेस पर लगाए करोड़ों रुपए देकर सरकार बचाने का आरोप। विपक्ष के अविश्वास पर गृहमंत्री अमित शाह बोले आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ही ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा जीता। पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। के मणिपुर को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का पलटवार। बोले मणिपुर के मुख्यमंत्री का गृहमंत्री ने किया बचाव। मामले को लेकर सरकार गंभीर है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट लिखा वीडियो की टाइमिंग पर सवाल उठाना शर्मनाक। गृहमंत्री ने अपनी नाकामी स्वीकार की। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं मॉनसून सत्र से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। कहा मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी के लिए हिंदुस्तान नहीं, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बीजेपी पर ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए। कहा आप भारत माता के रखवाले नहीं बल्कि हत्यारे हैं। बीजेपी देशभक्त नहीं देशद्रोही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की। कहा रावण सिर्फ 2 लोगों की सुनता था, वैसे ही मोदी जी सिर्फ अमित शाह और अदाणी की सुनते हैं। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर पलटवार। बोली भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने थपथपाई। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का पलटवार। बोले राहुल गांधी को भाषा का ज्ञान नहीं और नेता बनने का सपना पाल रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप। ट्वीट कर लिखा तानाशाह कितना डरपोक है। राहुल गांधी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले लेकिन संसद टीवी पर 11 मिनट तक स्पीकर ओम बिरला को दिखाया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के भाषण का एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो फ्लाइंग किस करते नजर आए। लिखा संसद में फ्लाइंग करते राहुल दिखाई दिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।